अभी समर लग गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है और हमारे ऑयस्टर मशरूम ग्रोवर भाइयों को बहुत दिक्कत जा रही है और एकदम से इंक्वायरी बढ़ गई है कि सर ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें। तो चलो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है और यह वीडियो पूरा देखिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें इस पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में ए टू जेड ह्यूमिडिटी के बारे में सब कुछ चीजें बताऊंगा और बेसिक से लेके सस्ती से लेके महंगी एडवांस चीजें तक मैं आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें यूज होती है शेड में वो मैं पूरी बताऊंगा और मैं आपको लेके जाऊंगा हमारे शेड पे, जो दोनों शेड है हमारे उन दोनों शेड पे आपको लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करते हैं ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शेंडे, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम ह्यूमिडिटी पे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी लोगों का अभी हालांकि इस 5 से 10 दिन में बहुत इंक्वायरी बढ़ गई है कि सर ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या है, देखिए दोस्तों ह्यूमिडिटी यानी हिंदी में हम इसको नमी बोलते हैं, मराठी में हम इसको आर्द्रता बोलते हैं। ह्यूमिडिटी यानी हमारी जो ये हवा है, ये जो वातावरण है, इसमें जो हवा है इसमें पानी की मात्रा होती है। अगर इस हवा में पानी की मात्रा ना हो तो हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। हवा में पानी की मात्रा है तभी हम जिंदा रह पा रहे हैं। अभी हमारे ह्यूमंस के लिए जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए सर्वाइव करने के लिए उतनी है, इसलिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए साथ ही साथ हमारे जो ऑयस्टर मशरूम का जो शेड रहेगा उसमें ऑयस्टर मशरूम के जो बेड रहेंगे और जो पिनहेड निकलने के लिए और ऑयस्टर मशरूम का क्रॉप निकलने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उस इन्वायरमेंट में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक टेम्परेचर और दूसरी ह्यूमिडिटी। इसमें आज हम ह्यूमिडिटी कवर कर रहे हैं, मैं साथ ही साथ इस पे डिटेल में हर एक चीजों पे वीडियो बनाऊंगा। टेम्परेचर, फ्रेश एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रूम, इंक्यूबेशन पीरियड, हर चीज पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज हम देखेंगे ह्यूमिडिटी। तो हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अभी हमारे ऑयस्टर मशरूम शेड में पानी की मात्रा यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, जोर से कितनी चाहिए, 60% 70%। इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कोई बोलता है 60%, कोई बोलता है 65%, 70%, 80%। चलो कन्फ्यूजन छोड़ते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें हो सकता है हर एक का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, हर एक के यहाँ का मतलब, जैसे अगर हम यही ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन अगर यूपी साइड में कर रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस तजुर्बा अलग हो सकता है। आप अगर यहाँ हमारे महाराष्ट्र में कल्टीवेशन कर रहे हो तो यहाँ का एक्सपीरियंस तजुर्बा अलग हो सकता है। इसलिए एक नॉर्मल एंड फाइनल जो चीज़ें एक्सपर्ट्स ने बताई गई है वो चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें हमारे ऑयस्टर मशरूम के शेड में 60% से ज़्यादा हमेशा ह्यूमिडिटी रखनी है। अभी 60 भी कभी कभी कम हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा से ही मेरे सेशंस में 65% से ज़्यादा बोलता हूँ। 65% से ज़्यादा इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर हमारे शेड में ह्यूमिडिटी 99% तक अगर भी बढ़ गई, मतलब मानसून सीजन में 99% चली जाती है, अगर 99% भी हो गई तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू हो सकता है लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो अगर 60% से नीचे जाती है तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इशू क्या हो सकता है कि हमारा जो मशरूम के बेड को जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी और हमारे जो पिनहेड निकलने के लिए जो ह्यूमिड पानी की मात्रा लगती है हवा में वो ना होने के कारण पिनहेड सूखने लगेंगे। जो क्रॉप है वो क्रॉप जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, क्रॉप की साइज बड़ी नहीं हो पाएंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ऑयस्टर मशरूम का क्रॉप पिनहेड निकल के आ रहे हैं, क्रॉप थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, जल्दी सूख जा रहा है, तो इसका कारण ह्यूमिडिटी कम होने का भी कारण हो सकता है, फ्रेश एयर का भी कारण हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम रही तो आपने अगर प्लास्टिक फाड़ी होना आपके बेड की तो प्लास्टिक के अंदर का जो बेड रहेगा वो भी सूख जाएगा, पिनहेड सूखेंगे, क्रॉप सूख जाएगा, क्रॉप की साइज बड़ी नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली हमारे कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। तो ये सारे मतलब संकट हो सकते हैं जो अगर हमने ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करी प्रॉपर तरीके से तो ये संकट हमारे क्रॉप हमारे ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में आ सकते हैं। अभी ये ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन क्यों करनी है 65% से ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण, क्यों करनी है 65% ही क्यों? देखिए हमारा जो ऑयस्टर मशरूम का बेड है वो हवा में टंग रहा है ना, या तो हम रैक सिस्टम में हम ऑयस्टर मशरूम बेड रखते हैं या फिर हैंगिंग सिस्टम में। ज़्यादातर लोग हैंगिंग सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि रैक मेथड कॉस्टली जाती है। तो हैंगिंग सिस्टम में जो हमारा मशरूम का बेड हैंग होके पड़ा है, इसको जो पानी की रिक्वायरमेंट है, इसके
पानी की रिक्वायरमेंट है ये तो हवा में से ही लगे ना, क्योंकि हवा में टंग रहा है, इसके रूट्स कोई जमीन में तो गड़े नहीं है। जैसे हमारा कोई पेड़ होता है उसके रूट्स जमीन में होते हैं, तो उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो जमीन से पानी खींच के खुद की पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। लेकिन हमारा ऑयस्टर मशरूम का बेड तो हवा में टंग रहा है, हवा में टंगने के कारण इसको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है ये तो ये हवा से ही लेगा। इसके लिए हमें हमारे ऑयस्टर मशरूम के शेड में जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हवा में पानी की मात्रा है यानी कि ह्यूमिडिटी हमेशा से ही 65% से ज़्यादा रखनी है, ताकि हमारे बेड की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी हवा से खींच लेगा और खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके जो हमें अच्छा क्रॉप देने का उसका जो एक मकसद है वो हमें अच्छा क्रॉप हमेशा से ही देता रहेगा। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि पाँच तरीके, जिन पाँच तरीकों से हम ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी बरकरार रखते हैं। अभी जैसे कि समर लग रहा है, समर में बहुत दिक्कत जाएगी आपको, इसलिए मैं समर की शुरुआत में ही ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अगले अप्रैल मई जून जुलाई तक कोई दिक्कत ना जाए और आपका ऑयस्टर मशरूम का क्रॉप अच्छे तरीके से आपके शेड में ले सके। अभी ये पांचों तरीके मैं आपको समझाने के लिए ले जा रहा हूं हमारे शेड में, शेड वन और शेड टू दोनों में मैं आपको सस्ती आसान और महंगी चीजें भी और एडवांस चीजें भी बताऊंगा। तो चलते हैं हम हमारे ऑयस्टर मशरूम शेड में। तो दोस्तों अभी हम आए हैं हमारे लगभग ये 1500 रुपए का जो हमने शेड बनाया था, हालांकि अभी समर चालू हो गया है, तो इस प्रकार का शेड जहां सिर्फ हमने गनी बैग्स डाल के रखे, ये बोरियां डाल के रखे हैं, तो सिर्फ इस बोरियों के जरिए ही समझो यहां टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। हालांकि हम आज बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी पे, तो ह्यूमिडिटी में सबसे पहला तरीका ये रहेगा हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का कि हवा में वाटर स्प्रे करके हम ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। अब कैसे, ये हवा हो गई है और ये हमारे मशरूम के बेड है, ये क्रॉप है, तो इसमें हमें कोशिश करना है कि हमारे बेड पे थोड़ा बहुत पानी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मशरूम जब तोड़ना है तो मशरूम तोड़ने से पहले लगभग ये अभी लगभग 2 से 3 दिन का क्रॉप होगा ये, तो मशरूम तोड़ने से पहले दिन मतलब 24 घंटे पहले इस क्रॉप पे पानी नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे मशरूम की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। इसलिए जब हम वाटर स्प्रे करेंगे हवा में वाटर स्प्रे, अब आप इस प्रकार का वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हो, इसको एक अलग अलग प्रकार की बॉटल्स आती है, इस प्रकार का भी बॉटल इसके यूज़ कर सकते हो या फिर बड़ी बॉटल भी यूज़ कर सकते हो, जिस प्रकार से भी आपका शेड का साइज़ बढ़ाओ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और आप एक बड़ा जो वाटर स्प्रेयर होती है जो हम खेतों में यूज़ करते हैं वो भी एक स्प्रेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो हवा में वाटर स्प्रे कैसे करना, देखिए आप इस तरीके से हवा में वाटर स्प्रे कर सकते हो। अभी इस तरीके से हवा में आपको दिख रही है छोटी सी ये जो पानी की है, हवा में वाटर स्प्रे इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत बेड पे अगर वाटर स्प्रे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें गैस प्रेशर क्रिएट होके फिर हम वाटर स्प्रे करते हैं, तो इस तरीके से हम हवा में वाटर स्प्रे करेंगे। अभी जब हम इस तरीके से हवा में वाटर स्प्रे करेंगे तो कितनी समय करना है, कितना टाइम करना है और कितना बार करना है, ये भी सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो कितनी समय करना है, हमें हवा में वाटर स्प्रे उतना समय तक करना है कि जब तक हमारे शेड में ह्यूमिडिटी कम से कम 85-90% नहीं हो जाती है। एक बार 85-90% हो गई ह्यूमिडिटी कि फिर आप इसको हवा में वाटर स्प्रे बंद कर सकते हो। तो एक बार 85-90% हो गई तो आप फिर वो लगभग 2-3 घंटे चलेगी ह्यूमिडिटी। तो ये इसका आंसर हो गया कि कितना टाइम हमें वाटर स्प्रे करना है। दूसरी चीज़ कितनी बार करनी है, जब भी आपके शेड में ह्यूमिडिटी 60% से नीचे हो जाएगी उतनी तभी आपको फिर से आपको हवा में वाटर स्प्रे करना है। पहली चीज़ तो आपको जब तक 85-90% आपकी ह्यूमिडिटी नहीं हो जाती तब तक वो हवा में वाटर स्प्रे करना है। और कितनी बार करना है, जब जब 60% से नीचे चली जाएगी ह्यूमिडिटी तब तब आपको करना है। हो सकता है आपको ये मानसून सीजन में सिर्फ 1 या 2 बार करना पड़े, विंटर में 2 या 3 बार करना पड़े, और समर सीजन में 5 से लेके 6 से लेके 7 बार भी हवा में वाटर स्प्रे करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था पहला तरीका जिससे हम हमारे मशरूम ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका। तो हमने पहला तरीका देख लिया जिससे हम हमारे ऑयस्टर मशरूम शेड में ह्यूमिडिटी बरकरार रख सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा तरीका। पहले तरीके में हमने क्या किया कि हवा में हमने वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे से जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वो कितने समय तक रहेगी, वो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए रहेगी। लेकिन अगर हमने जो वाटर स्प्रे से हमारे शेड में ह्यूमिडिटी बढ़ाई है वो अगर हमें ज़्यादा समय तक ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन रखनी है तो हमें दूसरी चीज़ करना है कि हमें इस तरीके से गनी बैग्स लगाने हैं। जो गनी बैग्स है इसको हिंदी में बोरी भी बोलते हैं, मराठी में पोता बोलते हैं। तो इस तरीके के गनी बैग्स की 1 लेयर 2 लेयर आप डाल सकते हो और इनको इसी तरीके से आप या तो वाटर स्प्रेयर से गीला कर सकते हो, इस तरीके से वाटर स्प्रेयर से गीला कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मग से
मग से पानी मार के इसको गीला कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से मग से सीधा हम पानी डाल के इसको गीला कर सकते हैं। जो हमने हवा में वाटर स्प्रे करके ह्यूमिडिटी बढ़ाई है वो तो अंदर की ह्यूमिडिटी बढ़ी जाएगी, लेकिन अगर जिस तरीके से अगर हमने गनी बैग्स को गीला करके रखा तो गनी बैग्स गीला होने के बाद अंदर के जो हवा में पानी की मात्रा है वो काफ़ी देर तक, मतलब अगर 2 घंटे में पानी मारने की जरूरत पड़ रही होंगी तो लगभग हमने गनी बैग्स गीले करने के बाद लगभग 3-4 घंटे तक हमें पानी फिर से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम हवा में पानी स्प्रे करके और गनी बैग को गीले करके दोनों तरीके से ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ते और बहुत ही इजी और आसान तरीके थे दोनों कि जिस तरीके से हम हवा में पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं और यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा तरीका। तो 2 तरीके हमने देखे, पहला तरीका था हवा में वाटर स्प्रे करना, दूसरा तरीका गनी बैग्स लगाना और गनी बैग्स को गीला करना। अभी तीसरा तरीका, हालांकि तीसरा तरीका भी गनी बैग्स को गीला करना ही है, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एडवांस चीज़ों को भी देखेंगे तो हम ड्रिपिंग सिस्टम के अनुसार हम गनी बैग्स को कैसे गीला कर सकते हैं ये हम तीसरे तरीके में देखेंगे। ड्रिपिंग सिस्टम में आप इस प्रकार से एक बकेट ले सकते हो या फिर बड़ी बकेट ले सकते हो या फिर ड्रम ले सकते हो। हमने हमारा इस शेड का जो ड्रम है वो नए शेड पर शिफ्ट कर लिया है, हम अभी जल्द इसके बाद हम हमारे नए शेड पर ही जाने वाले हैं। तो उसमें हमें क्या करना, ये हो गई एक मोटर, ये मोटर हम जो कूलर में यूज़ करते हैं वही सिंपल सी मोटर हमने यूज़ करी है और उसमें पानी में डाल के रखा है और ये पाइप सीधा जाता है हमारे शेड में, जहाँ अभी हमने दूसरी मेथड देखी है। अभी हम नीचे ही जाएंगे तो अभी हम स्लैब पे है, थोड़ा सा प्रेशर पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं इसमें मोटर चालू करते हैं। मोटर चालू करने के बाद प्रेशर जैसे ही आ जाता है तो वो प्रेशर से ही पूरा पानी खत्म हो जाता है। मोटर चालू करके बस 1 मिनट में बंद कर देते हैं और पूरा पानी खत्म अपने आप खत्म हो जाता है। अभी हम स्लैब पे हैं तो स्लैब पे भी हमने एक हमारा सैंपल शेड बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सैंपल शेड है, जो लोग पूछते हैं कि स्लैब पे मतलब उनके स्लैब पे जगह है और वो कुछ करना चाहते हैं, यहाँ भी खाली गनी बैग्स हमने यूज़ करिए। देखिए यहाँ भी क्रॉप आ चुका है, यहाँ भी माइसिलियम बहुत अच्छे तरीके से रन हो चुका है और इस तरीके से हम यहाँ भी क्रॉप ले रहे हैं। वापस से नीचे आए हम और ये जो ऊपर से जो पाइप आया है इस तरीके से ड्रिपिंग सिस्टम से पानी ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन इस तरीके से हम ड्रिप कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक ड्रिप हो रहा है, देख रहे हो आप, बूंदी दिख रही है आपको, बस आपको मोटर लगाना है और अपने आप ड्रिप होता जाएगा। ये इसमें कुछ पॉइंट्स भी आते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम के कुछ पॉइंट्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप सीधा इस जो ये पाइप है इस पाइप को, इस तरीके का पाइप आपको किसी भी हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा, इसको अगर डायरेक्टली आप छेद कर देते हो तो इस तरीके से पानी ड्रिप होता रहेगा। अभी जो मैंने आपको बकेट दिखाया, मैंने मोटर चालू किया और विद इन बोल सकते हैं कि 40 सेकंड्स या फिर 1 मिनट में मैंने उसको बंद कर दिया। अभी ये जो पूरा बकेट का पानी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये ड्रिपिंग सिस्टम अपने आप चलती रहेगी, इसमें कुछ भी लगभग खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में मोटर का खर्चा है और ये पाइप का खर्चा है और बस इस तरीके से ड्रिपिंग सिस्टम आप आसानी से लगा सकते हो। और आपने क्या किया, हवा में वाटर स्प्रे किया, हवा में वाटर स्प्रे के साथ साथ आपने गनी बैग्स गीले करे या फिर आप खुद गनी बैग्स गीले करो या फिर इस तरीके से ड्रिपिंग सिस्टम से गीले करो तो इससे ह्यूमिडिटी काफी टाइम तक बरकरार रहेगी। अभी हम देखेंगे 4th तरीका हमारे शेड पे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 4th प्रकार जिससे हम ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। 3 प्रकार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहला है हवा में वाटर स्प्रे हम करेंगे, दूसरा प्रकार है हम गनी बैग्स लगाएंगे, गनी बैग्स को गीला करते रहेंगे और तीसरा प्रकार हमने देखा कि गनी बैग्स ही गीले करेंगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम ड्रिपिंग सिस्टम लगा के, और 4th प्रकार हम फॉगर सिस्टम। यह है शेड हमारा और इस तरीके से लगभग 800-900 स्क्वायर फीट है। यह है मोटर, अभी मैं आपको फॉगर सिस्टम पूरी बता देता हूँ, फॉगर तो हम देखेंगे, साथ ही साथ ये मोटर है लगभग 1/2 HP की और इसमें पानी है इस ड्रम में, और यह मोटर और यह पंप है इस तरीके से और यह पंप आगे जाके फॉगर के साथ कनेक्टेड है। ये आप फॉगर देख रहे हो, 2nd फॉगर, 3rd फॉगर, 4th फॉगर और ये 5th फॉगर। एट द एंड में हमने इस पाइप को बंद करके रखा है ताकि प्रेशर मेंटेन हो सके फॉगर के लिए और फॉगर हवा में वाटर फॉग कर सके। हम टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन हो सकता है। हमने कुछ बैग्स लाए हैं, यहाँ क्रॉप वाले भी बैग उठा के लाए हमने
और कुछ नए कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया है। इस शेड में लगभग 15 दिन में यह पूरा शेड हम भर देंगे ऑस्टर मशरूम बेड से, और यहाँ हम हैंगिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, फॉगिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। तो फॉगर्स क्या करते हैं, हवा में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल ही बारीक बारीक फॉग होता है, और इस फॉग की वजह से हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ह्यूमिडिटी अपने आप ही बढ़ जाती है और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, ये जो मोटर भी है, इसको हम ऑटोमेटेड सेट करने वाले हैं, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाएगा तो ये मोटर अपने आप लग जाएगी। जैसे ही ह्यूमिडिटी 60% से नीचे आ जाती है तो भी ये मोटर अपने आप लगेगी। यहाँ ड्रिपिंग सिस्टम भी लगने वाला है, फॉगर सिस्टम भी ऑलरेडी है, और ये सेंसर के साथ सेंस होगा और कंट्रोलर के साथ, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ने के बाद, ह्यूमिडिटी कम होने के बाद अपने आप मोटर लगेगी। और इसका वीडियो सिर्फ हमारे जो ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं उनको ही मिलने वाला है, सभी के लिए वीडियो वो नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम फॉगर लगा सकते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। ये था चौथा प्रकार। तो दोस्तों, यह थे पूरे चारों प्रकार जो हमने अभी तक देखा, हवा में पानी स्प्रे करना, देन गनी बैग्स पे वाटर स्प्रे करना, तीसरी चीज ड्रिपिंग सिस्टम के जरिए गनी बैग्स गीले करना, चौथा तरीका हमने देखा कि जिससे फॉगर के जरिए हम ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद पांचवा तरीका यह है कि हम ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए एक ह्यूमिडिफायर, एक तो मशीन होती है जिससे पानी को फॉग में कन्वर्ट किया जाता है और ह्यूमिडिटी क्रिएट करी जाती है। तो ह्यूमिडिफायर हालांकि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम ह्यूमिडिफायर हमारे शेड में लाने वाले हैं, ताकि जो विजिटिंग के लिए लोग आते हैं, जो भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको हम प्यूरी वैल्यू दे सके, पूरी चीजें उनको बता सके कि किस तरीके से शेड को ऑटोमेटिक किया जा सकता है, किस तरीके से शेड में ह्यूमिडिटी मेंटेन करी जा सकती है, और किस तरीके से टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो टेम्परेचर पे बनाएंगे कि क्या क्या जरूरत है, हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पांचों प्रकार जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूं आपको ये पांचों चीजें समझ में आ चुकी होंगी। सस्ती, आसान और कुछ महंगी, और कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके भी जो चीजें हमने यूज करी, लगभग सभी मैंने बताया आपको। इस प्रकार से हम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको भी देना चाहते हैं इस YouTube वीडियो के जरिए, और हम उनको भी देना चाहते हैं जो लोग हमसे ट्रेनिंग्स लेते हैं। ट्रेनिंग्स की इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो आप हमें 7021370477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, और हमारी इस भारत में मशरूम इवोल्यूशन की जर्नी में हमारा साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।